तो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स या फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स के अंदर हमने क्या सीखा कि अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दे विल रिपेल ईच अदर, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमने सीखा। और फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन क्या है, म्यू नॉट बाय 4π2I1I2R। तो मैंने बता दिया करंट अगर ऑपोजिट है तो उस केस में वो रिपेल है, और अगर सेम है तो वो अट्रैक्ट है। तो इस फोर्स पर यूनिट लेंथ के बेस पे अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, ये लो। इसमें अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर पी, इस क्वेश्चन में एक वायर है, पी वायर है जिसमें 50 एम्पीयर का करंट है। इट इज रिजिडली फिक्स्ड, तो ये मूव नहीं करेगी, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड है। अनदर वायर क्यू इज प्लेस डायरेक्टली अबव एंड पैरेलल टू पी, एक और वायर है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर हमने रख दी, जिसमें करंट कितना है 25 एम्पियर है। वेट ऑफ वायर क्यू इज 0.075 न्यूटन पर मीटर, जो क्यू वायर है उसका वेट कितना है 0.075 न्यूटन पर मीटर है। न्यूटन पर मीटर का मतलब क्या है, ये वेट नहीं है, ये वेट पर यूनिट लेंथ है। फाइंड पोजिशन ऑफ वायर क्यू, तो आपको क्यू की क्या बतानी है इसमें, पी के साथ पोजिशन क्या है, सो दैट क्यू रिमेन सस्पेंडेड ड्यू टू मैग्नेटिक रिपल्शन, ताकि क्यू किस पे रहे, एट रेस्ट पे रहे, क्यू रेस्ट पे रहे। ठीक, आप एक बात बताओ ये वायर रेस्ट पे क्यों रहेगी, ठीक है, या अगर आप ये सोचो कि अगर ये वायर हवा में है तो नीचे गिरेगी गिरेगी, कौन गिरेगा, इसका वेट। अब ये क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि दोनों वायर्स में करंट है और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये तो मूव कर नहीं सकती, लेकिन ये इसे क्या करेगी, रिपेल करेगी, बिकॉज करंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स रिपल्सिव है, तो ये इसे रिपेल करेगी। तो अगर ये फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर जाए तो ये ऊपर वाली वायर हवा में सस्पेंडेड रहेगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसके अंदर आप एक बात बताओ, अगर ये फोर्स वेट के इक्वल है तो वायर हवा में सस्पेंडेड रहेगी, लेकिन यहां पर मुझे W का मतलब वेट नहीं गिवन, मुझे क्या गिवन है, वेट पर यूनिट लेंथ। तो इसलिए वेट को किससे बैलेंस करना है, फोर्स से नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि फोर्स को वेट से बैलेंस करते हैं और फोर्स पर यूनिट लेंथ को वेट पर यूनिट लेंथ से बैलेंस करते हैं। तो मैंने इक्वेट कर दिया, अब फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट बाय 4π2I1I2R, और W का मतलब क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ। तो आपको इस क्वेश्चन में आर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है दोनों वायर्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई आई वन आई टू वेट पर यूनिट लेंथ गिवन है आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे आपने सोचना है इसमें, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ को वेट पर यूनिट लेंथ के साथ इक्वेट कर देना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले, मैं डायग्राम नया ही बनाऊंगा इसमें, ये देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है उसको समझो, क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो ये आपके पास आई करंट है, ठीक है, मान लो ये आपके पास आई करंट है, इस करंट करंट कैरिंग वायर के सामने अगर मैं कोई पैरेलल करंट कैरिंग वायर रखूं तो या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी या वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। लेकिन मैंने वायर को ऐसे रख दिया, ये तो हमने किया ही नहीं कि अगर वायर परपेंडिकुलर पड़ी हो तो कोई मुझे बताएगा कि ये वायर कहां मूव करेगी, इसकी मोशन कैसी होगी। अच्छा ये बताओ, ये वायर इसके ऊपर बी लगाएगी, बी तो लगाएगी, तो ये वायर सेकेंड वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होगी, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब वो फोर्स कैसे सोचेंगे इसको देखें, आप मुझे ये बताएं ये करंट कैरिंग वायर बी की डायरेक्शन कैसे लगाएगी, इनसाइड, जहां मर्जी लो, यहां लो यहां लो जहां मर्जी लो, तो इसकी वजह से बी कैसे होगा, इनसाइड। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, यहां पर बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू यहां पर इनसाइड होगी, चाहे जहां मर्जी ले लें। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि ये वाला पार्ट इस वायर के नजदीक है तो यहां बी की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना दूर जाते जाएंगे, पॉइंट दूर जाते जाएंगे, बी की वैल्यू वहां पर कम होती जाएगी। तो यहां पर बी ज्यादा है, यहां पर बी कम है, यहां पर बी और कम है, यहां पर बी और कम है, और कम है, और कम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो बी की वैल्यू यहां पर कम होती जा रही है, क्लियर है, यूनिफॉर्म तो है नहीं। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई लेंथ लेता हूं यहां पर, हल्की कोई छोटी लेंथ ले लो, इसमें करंट का है राइट है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बोलो कहां होगी, बी कहां पर है,
इनवर्ड, इन है, तो करंट कहां पर है? राइट, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहां होगी? ऊपर। तो इस एलिमेंट पे फोर्स कहां लगेगी? ऊपर। और यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगी, क्यों? क्योंकि यहां पर बी ज्यादा है। थोड़ी और दूर जाएंगे तो यहां पर फोर्स कम लगेगी, क्योंकि बी कम है, बी कम है, बी कम है, बी कम, कम, कम और कम। तो आइडिया समझ में आ रहा है, फोर्स तो ऊपर ही लगेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि बी जहां पर ज्यादा है वहां फोर्स ज्यादा है, बी जहां पर कम है वहां फोर्स कम है, कोई डाउट इसमें? तो आप सोचो, अगर इस वायर पे, इस सेगमेंट पे फोर्स ज्यादा है और इस पे कम है, तो इसकी मोशन कैसी होगी? सोचो, अगर ये वायर है, अगर फोर्स हर तरफ बराबर है, बराबर है, तो ऐसे जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ठीक। लेकिन अगर ये यहां पे फोर्स ज्यादा है, यहां कम है, तो ये ऊपर भी जाएगी लेकिन साथ साथ घूमना भी स्टार्ट कर देगी, क्योंकि यहां पे फोर्स ज्यादा है, यहां पर फोर्स कम है, तो उठेगी तो है ये, लेकिन ये ज्यादा उठ जाएगा। तो मोशन कैसी होगी? ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, अगर परपेंडिकुलर वायर्स हैं तो मोशन कैसी होगी? ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्यों ऐसा होगा? ठीक, अब इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं, देखो कैसे। सपोज करो आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट की वैल्यू 25 एम्पियर है, राइट, 25 एम्पियर है। अब क्या करना है इसके साथ, इसके साथ ये एक रेक्टेंगुलर वायर गिवन है, ये एक रेक्टेंगुलर वायर गिवन है, कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या, कितना करंट गिवन है? मान लो 15 एम्पियर, तो 15 एम्पियर का करंट पूरे इस लूप में ऐसे घूम रहा है, लूप रिजिड है, ये नहीं है, फोल्ड हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि ये वायर ने इस पूरे लूप पे नेट फोर्स क्या लगाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है, नेट फोर्स क्या लगाई। और आपको ये गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है ये वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, और ये जो साइड है ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है यहां तक? तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं। इस वायर ने इस वायर को क्या करना है, अट्रैक्ट कि रिपेल? अट्रैक्ट करना है ना, तो यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो यहां लगेगी, कितनी? F1। ये वायर इनफाइनाइट है, ये F1 फोर्स किस पे लग रही है? इस वायर पे, और इसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और मुझे फॉर्मूला आता है दो वायर्स का, किसका? फोर्स पर यूनिट लेंथ का, कितना? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 × I1 × I2 / A। अब फोर्स की वैल्यू यहां पर कितनी है? F1। और कितनी लेंथ पे फोर्स निकालनी है? 25 सेंटीमीटर। ये लो 25 सेंटीमीटर, 10⁻⁷ × 2, करंट की वैल्यू कितने गिवन है? एक में 25, एक में 15, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना गिवन है? 2 सेंटीमीटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? फोर्स की वैल्यू न्यूटन में निकाल लेना नीचे की तरफ। पहला पार्ट क्लियर है, F1 कैसे निकलेगा 25 सेंटीमीटर पे। अच्छा, फिर करते हैं। अब ये वायर, सारी गेम इस वायर की है, इस वायर ने ही खींचना है, तो इस वायर ने इस वायर को फोर्स अट्रैक्टिव लगाई कि रिपल्सिव? क्योंकि ये करंट राइट है, ये करंट लेफ्ट है, तो ऑब्वियसली इस वायर ने इसको रिपल्सिव फोर्स लगाई, कितनी? F2। क्लियर है यहां तक? तो ऊपर की तरफ है। अब F2 की वैल्यू अगेन, इसकी लेंथ भी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और इसमें करंट कितना है? 15 एम्पियर। तो F2 कितनी लेंथ पे लग रहा है? 25 सेंटीमीटर पे लग रहा है। तो F2 by 25 सेंटीमीटर is mu naught by 4 pi into 2 into I1 into I2 by A. तो F2 divided by 25 into 10 raised to power minus 2 is 2 into करंट, एक 25 है, एक 15 है, divided by distance क्या होगा? देखो ये distance कितना है? 10, और ये कितना है? 2, तो 10 plus 2 कितना? 12। ये लो, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास? न्यूटन में निकाल लेना, F2 आ जाएगा, कोई डाउट? तो सॉल्व करके क्या आ गया? F1 आ गया, सॉल्व करके F2 आ गया। अब तीसरी फोर्स, ये कंसिडर करते हैं, यहां पे देखो, यहां पे ये कंसिडर करते हैं। अभी डिस्कस किया हमने, इसमें करंट कैसे आ रहा है? नीचे, और इसमें करंट कैसे जा रहा है? राइट, ऐसे ही है। तो ये वायर बी कैसे लगाएगी यहां पर? आउट, बी आउट है, तो इस पॉइंट पर या पूरी वायर पे बी कैसे लगेगा? इसमें आउट।
फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है, बी अगर आउट है, करंट अगर नीचे है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहां पर है, मेरी तरफ। बी अगर आउट है, करंट नीचे, तो फोर्स मेरी तरफ। तो यानी कि यहां पर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। किया था ना अभी परपेंडिकुलर वायर में, जो एलिमेंट सबसे पास होगा उस पर ज्यादा और फिर कम। फिर सेम रूल यहां लगा लो, इसके ऊपर भी करंट क्योंकि राइट है, तो बी कैसे है, इसमें भी आउट है, यहां पर भी आउट है, तो फोर्स देखें, बी कैसे है, आउट है, करंट कैसे है, ऊपर है, तो फोर्स कहां पर लगेगी, यहां पे लगेगी। तो यहां पर ज्यादा लगेगी, फिर लगेगी कम, फिर लगेगी कम, फिर लगेगी कम। अब क्या प्रॉब्लम है, जितनी फोर्स यहां लगेगी उतनी यहां लगेगी, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, कैंसल, सारी फोर्सेस कैंसल, तो अनकैंसल्ड फोर्सेस सिर्फ दो बचेंगी, एफ टू एंड एफ वन। तो ये तो कैंसल हो गया, तो ये लूप लेफ्ट राइट तो जा नहीं सकता, तो अल्टीमेटली ये लूप कहां जाएगा, नीचे के ऊपर, कौन बड़ा, एफ वन बड़ा कि एफ टू, एफ वन, क्योंकि एफ वन नजदीक है, नीचे वाली वायर नजदीक है, तो ओवरऑल ये रेक्टेंगल पास आ जाएगा विद अ नेट फोर्स ऑफ, नेट फोर्स ऑफ एफ वन माइनस एफ टू, माइनस कर लेना, और अट्रैक्टिव फोर्स होगी, डाउनवर्ड फोर्स होगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगुलर लूप अगर सामने पड़ा होगा करंट कैरिंग वायर के, तो कैसे आपने सोचना है इसमें, ठीक है यहां तक, ठीक है। तो ठीक है यहाँ तक देखो, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब क्लियर है, ये सेम ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन, देखो सेम ऐसे कैसे, अगर आपके पास इस क्वेश्चन में 15 एम्पियर का करंट है, वो कह रहा है कि तीन वायर्स हैं ए बी सी डी ई एफ, इन तीनों की इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं और इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं, निग्लिजिबल है, तो यहाँ से एमीटर है, इसमें हर ब्रांच में करंट होगा और टोटल करंट एमीटर में 15 एम्पियर है, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, तो 15 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पांच पांच और पांच, और डिस्टेंस इनके बीच में एक और एक सेंटीमीटर गिवन है, आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ किसमें, ए बी में और सी डी में। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप ए बी लेते हो, ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, अगर आप ए बी लेते हो, ए बी को फोर्स कौन लगाएंगे, लगाएगा, एक ये वायर लगाएगी और एक ये भी लगाएगी, कैसे, ये वायर इस वायर को क्या करेगी, अट्रैक्ट, टू वायर्स आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स यहां होगा, और ये वाली वायर इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट, तो सेम डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, एफ टू। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह लोग ये पूछेंगे, सर ये वाली वायर भी तो इसे अट्रैक्ट करेगी, पूछ कौन रहा है, फोर्स किस पे निकालनी है, टॉप की वायर पे, तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, टॉप के, तो नीचे वालों को ड्रॉ क्यों करने, हाँ करेगी, जरूर करेगी, पर मुझे लेना ही नहीं, वो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, मेरा पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो, तो सारे वेक्टर इसी पे बनेंगे, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो पहले इन दो फोर, इन दो वायर्स में फोर्स क्या बनेगी, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू इंटू फाइव इंटू फाइव अपॉन वन सेंटीमीटर, ये रहा ये वन आएगा, वन सेंटीमीटर, और ऐसे ही यहां पे और यहां पे डिस्टेंस कितना है, टू सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू सेंटीमीटर, और नेट फोर्स ऐड करने के बाद ये क्या निकाल रहा हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और कैसे आएगी, डाउनवर्ड हो जाएगा ऐड, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, अब सेम क्वेश्चन किसमें करना है, सी डी में, अब सेम टू सेम क्वेश्चन किसमें करना पड़ेगा, सी डी में, ये देखो सी डी में क्या करना है, ये वायर और ये वायर करंट कैरिंग इन सेम डायरेक्शन, तो ये वायर इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट, और ये वायर इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लो इस वायर पे भी और इस वायर पे भी, तो नेट आंसर क्या होगा, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर देना है, माइनस आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें,
ठीक, ये क्वेश्चन हमने कर लिया अभी रेक्टेंगुलर लूप वाला, अभी जो मैंने करके दिखाया वो लूप ऐसा था, ये लूप ऐसा है, फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन है इसमें।